फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो टुडे इज सैटरडे, वीकेंड और बच्चे घर पर है। तो सुबह सुबह मैंने अपना मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया और अपने जो छोटे छोटे बच्चे थे बर्ड्स यानी कि उनको भी ब्रेकफास्ट करा दिया और अपने बच्चों को भी ब्रेकफास्ट करा दिया। इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे थे लंच की प्रिपरेशन। और ये देखिए छुट्टियाँ आ रही है, मैंने इनको कहा कि ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और मतलब इन लोगों ने बर्ड्स को फूड वगैरह भी दे दिया, देख लिया। तो मैंने कहा आप पढ़ाई करते हैं और मैं जा रही हूँ किचन में खाना पकाने की तैयारी करने। तो ये दोनों भी मेरे पीछे पीछे आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं हम शाम को एक ही बार बैठ के पढ़ाई करेंगे करके। सो आई अग्री, ओके ठीक है। तो देखो हम किचन में आ गए हैं और आज का दिन ऐसा था ना कि मतलब मुझसे तो एक फिंगर रेस करने को भी कहो ना कोई तो बहुत जान पे आ रही थी, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत अजीब सा ही फील हो रहा था। आप समझ सकते हो कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं। सो या तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ हल्का फुल्का ही खाना बनाऊंगी। तो मेरे पास कैबेज पड़ा हुआ था, पत्ता गोभी जिसे कहते हैं, तो मैंने सोचा कि यही बनाते हैं। बहुत दिनों से इसकी सब्जी नहीं खाई थी, पता नहीं मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई सब्जी खाने का मन नहीं करता और मेरे पास ये पड़ी थी। तो मैं पकोड़े वगैरह बना लेती थी संडे वगैरह को कभी एक्स्ट्रा थोड़ा सा, पर फिलहाल इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं सब्जी बना दूँ, यूज़ हो जाए, क्योंकि अभी संडे को मेरे हस्बैंड जाने वाले थे सब्जियाँ लेने के लिए। तो मुझे पता था एक और लीसू पत्ता गोभी आ ही जाएगा। वैसे मॉरिशस में पत्ता गोभी को लीसू कहते हैं, लीसू या सो हाँ, पत्ता गोभी की सब्जी बनाई मैंने सैटरडे को लंच में और इसमें डाली थी मैंने चना दाल। और इसे इतनी अच्छी बनती है ना, बस लहसुन और राई जीरा का तड़का लगा दो, करी लीफ, ग्रीन चिली ऐड करो, थोड़ा सा हींग भी ऐड किया था मैंने, और फिर चना दाल मतलब थोड़ा सा पक जाए ना तो मैंने पत्ता गोभी ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से पका दिया था। हल्दी भी ऐड किया था इसलिए येलो दिख रहा है। और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक वगैरह ऐड नहीं, जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट होता है वो ऐड नहीं किया था, सिर्फ लहसुन चॉप करके ऐड किया था। फिर उसके बाद जो वेजिटेबल वगैरह वॉश किए थे, मैंने इस लड़की को कहा था कि जाओ पानी जो है वो बाहर डाल के आओ, अब वो आई नहीं, काफ़ी देर हो गया था कि वो आई नहीं किचन में वापस से बाउल लेकर। तो मैं खुद ही आ गई इसको देखने के लिए और ये देखिए यहाँ पर ये आराम से धीरे धीरे बैठ बैठ कर प्लांट से बातें कर कर ये पानी दे रही थी प्लांट्स को। इसका सरप्राइज फेस, धीरे धीरे सारे प्लांट्स में इसे पानी दे दिया, इतना थोड़ा सा था। मुझे लगा वो एक प्लांट में ही सारा पानी देकर आ जाएगी एज यूजुअल, बट नहीं, यहाँ पर इतनी स्वीट तरीके से वो प्लांट्स को पानी दे। ओके स्प्रिंग ऑनियन पेपर इसका मतलब है पहले दे दिया था और मैं दे दिया था आऊंगा जाऊंगा, ये ऐसे ही बातें कर रही है। इसके बाद फिर मैं आ गई पराठा पकाने। अब पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी तो सिर्फ राइस तो बहुत सूखा हो जाएगा ना, तो यही सोचकर मेरे पास मैंने पराठा डिसाइड किया बनाने का। मैंने कहा जल्दी जल्दी थोड़ा सा पराठा बना देती हूँ और यही खिलाऊंगी बच्चों को। तो इसमें ना इसमें मैंने स्वीट पोटैटो बॉईल करके रखा हुआ था मेरे पास, तो वो मैंने ऐड कर दिया। आप देखते हो कि मैं पराठा और दाल ना हमेशा कुछ ना कुछ मिक्स करके ही बनाती हूँ, क्योंकि आप जानते हो मेरे बच्चे और हस्बैंड वगैरह जो फैमिली जो है ना वो बहुत नहीं खाते हैं, तो वो कम ही डिश खाते हैं और कम ही खाते हैं, मतलब क्वांटिटी वाइज भी कम ही खाते हैं। तो है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि जो थोड़ा भी बनाऊँ ना तो उसमें इंक्लूड कर लूँ वेजिटेबल्स या कुछ हेल्दी चीज़ें। सो या पराठे में मैंने है ना थोड़ा सा अजवाइन और नमक के साथ
स्वीट पटेटो भी ऐड कर दिया था और यही पराठा बनाया। इसको बिल्कुल ऑयल फ्री पराठा था, इसमें बिल्कुल भी ऑयल वगैरह नहीं लगा था, जैसे फुलके कह सकते हैं वही बनाया था। फिर बच्चों ने थोड़ा सा मतलब नखरे किए बट खा लिया उन्होंने खाना, पराठा और सब्जी। उसके बाद फिर मैं आ गई वापस किचन में। सच कह रही हूँ, एक एक काम आज के दिन मुझे इतना भारी पड़ रहा था ना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बट आप तो जानते हो, जो मन किया वो तो कभी नहीं होता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, घर का काम नहीं रुकना चाहिए क्योंकि वो अभी नहीं तो बाद में करना तो मुझे ही है। तो थोड़ी हिम्मत दिखा दिखा कर है ना, मैंने जैसे तैसे अपना सारा काम जो था वो फिनिश कर दिया। और आज का दिन मैंने यही सोचा था कि मतलब कुछ ज़्यादा हैवी वर्क नहीं निकालूंगी। और ये जो मैंने एक कारपेट धोए थे ना एक दिन पहले, ऐसे बैठ बैठ कर ब्रश कर करके, तो शायद पता नहीं, शायद इसी वजह से ना मेरा जो हिप्स का एरिया थोड़ा सा पेन हो रहा था। और ये देखो, जब मैं आई यहाँ लेटने के लिए सारा किचन क्लीन करने के बाद, तो ये लड़की आई। इतना बड़ा बेड है, इनफैक्ट दो बेड है मेरे बेडरूम में, तो आप जानते हो, आपने देखा होगा। पर इसको सोना था मम्मा के ऊपर। उफ लाइफ, इतनी बदमाशी लड़की। मैंने इसको कहा कि सिया तुम नीचे आके सो जाओ, मैं तुमको सुला दूँ, नाप ले लो। पर नहीं, इसको आज के दिन ही सोना था मम्मा के ऊपर और ये मस्त आराम से लेटी हुई थी। पैर में थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं आ गई। फिर मतलब कॉफ़ी पी लिया था, उठ गई थी, थोड़ा बाहर बैठी। मतलब मौसम अच्छा था ना, तो थोड़ा बाहर झूले वगैरह पे बैठने के लिए भी ना अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब धूप वगैरह होती है ना तो बहुत ठंड नहीं होती है, बाहर थोड़ा सा बैठ सकते हैं। वरना थोड़ी देर ही बाहर बैठ कर अंदर आ जाना पड़ता है, क्योंकि इतनी ठंडी लगती है ना, नहीं होता है बाहर बहुत देर तक टाइम स्पेंड करने के लिए। फिर क्या हो गई थी शाम जल्दी से, आपको पता है ठंडी में दिन कितना जल्दी गुजर जाता है, पलक झपकते ही शाम हो जाती है। तो सोचा मैंने एक वेजिटेबल्स वगैरह डालकर है ना राइस ही बना दूँ, हल्का फुल्का सा पुलाव टाइप, जैसे खिचड़ी भी कह सकते हैं, जो मैं टोमाटो पुलाव बनाती हूँ। तो बस मैंने आज इसमें वेजिटेबल्स ही ऐड कर दिए, ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं रखा, क्योंकि सैटरडे था और संडे को तो फिर हम मतलब नॉनवेज या मसाला या तेल ये सब तो खाने ही वाले हैं। तो और मुझे इतना कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो यही सोचकर मैंने थोड़ा हेल्दी खाना डिसाइड किया बनाने का, कि मतलब निपट जाए मेरा ये काम खाने पीने का जो है, ज़्यादा बर्डन नहीं लूँ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँ इसके लिए। हल्का फुल्का खाकर हेल्दी सा थोड़ा और अच्छा अच्छा फील हो, लाइट खाना खाकर। तो मैं राइस पकाने लग गई। यहाँ मैंने जा रही थी पानी डालने के लिए, तो सिया ने जैसे ही देखा मुझे कि मैं जा रही हूँ, तो वो आ गई। उसने फिर ले लिया खुद से ही, वो जाकर उसने कहा कि वही पानी डालेंगे। तो आई जस्ट सेड ओके, ठीक है, एक हेल्पिंग हैंड इज नॉट इट विल नॉट हार्म मी, अच्छा है। तो या तो फिर मैंने उसे पानी दे दिया, वो चली तो गई। फिर मैं अपना राइस पर कंसंट्रेट करने लग गई। यही मैंने बनाया, इसमें मैंने कॉलीफ्लावर डाला था, पटेटो ऐड किया था और कैरेट्स थोड़े से ऐड कर दिए थे। ये देखिए, और इतना अच्छा यमी बन गया था राइस। और मेरे पास पहले से ही मतलब जो पत्ता गोभी मैंने दिन में बनाई थी वो सब्जी तो थी। तो या तो वही मैं कह रही थी, जैसे कि हमारे घर में मतलब बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, मतलब चार पांच डिश नहीं चाहिए होता है, तो सब्जियां मैं सुबह में ही बना लेती हूँ। तो रात में फिर मुझे मतलब राइस या पराठा ऐसा कुछ बनाना हो तो वही होता है। और ये देखिए, जो आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में कि मेरे हस्बैंड वो वुड वाला लेकर आए थे ओखली, तो वो मैंने तो वापस करवा दिया और कहा था कि इसके बदले मतलब कुछ और ऐसा वाला मिलेगा ना, तो वो लेके आना, तो वो ये वाला लेकर आए हैं। ये मुझे लगता है ये स्टोन का है, बहुत हैवी है। तो मैं डर रही थी जब बच्चे ले रहे थे, देख रहे थे, मैंने कहा कहीं भी हाथ वगैरह नहीं कुचल दे या टेबल वगैरह ही नहीं तोड़ दे जोर जोर से। पहले यशु देख कर गया मेरे, मैंने तो ठीक से देखा ही नहीं, ये दोनों आ गए एक के बाद एक।
और सिया ने भी आके यहाँ पे चेक कर लिया कैसा है। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब पत्ता गोभी की सब्जी थी और राइस पकाया था, तो मैं एक थोड़ा सा चटनी भी बना दूँ, क्योंकि इसके साथ पीनट की चटनी ना खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है इस वाले राइस के साथ। ये सिया सब को पूछ रही थी, तो यह पीनट की चटनी बना दी मैंने। ये तो बहुत सिंपल है, जैसे पीनट ऐड किया था और ऑनियन, ग्रीन चिली, और मैंने टमाटो प्यूरी थोड़ा सा ऐड किया विथ सॉल्ट, बस और कुछ नहीं। और ये मेरी चटनी तैयार हो गई। इसको मैंने ब्लेंड कर दिया, ग्राइंड कर दिया, थोड़ा सा पानी ऐड करके। फिर ये था हमारा डिनर, राइस, आलू, कैरेट और कॉलीफ्लावर राइस, पत्ता गोभी और चना दाल वाली सब्जी, और पिस्तास पीनट की चटनी। और मैंने सोचा कि हाश, अब हो गई हूँ मैं फ्री और दिन हो गया है मेरा ख़त्म, अब मुझे सिर्फ चेंज करके नहा कर या फ्रेश होकर बस सोना है। बट नहीं, यहाँ कपड़े तो इंतज़ार कर ही रहे थे, और इसके साथ जैसे मेरा मशीन वगैरह हो गया और मैं जा रही थी फ्रेश होकर, मतलब तैयार होकर सोने का होने के लिए, सोने जाने के लिए, लेकिन लग गई यशु को भूख। उफ, अब ये देखो सोने का टाइम हो रहा था लेकिन ये दोनों को भूख लग गई। और ये दोनों को मैंने जब पूछा कि क्या खाओगे, ब्रेड जैम दे दूँ, बिस्किट दे दूँ, दूध दे दूँ, सब कुछ ही मना कर दिया इन लोगों ने, सब कुछ मना कर दिया। और खाना था इन लोगों को पास्ता। जिस दिन मैं सोचूं कि काम कम हो मेरा ना, उस रोज तो बस उल्टा ही होना है मेरे साथ। ये तो बस लिख लिख कर ही ले लीजिए। तो मैं हार्डली कभी कुछ ऐसे सोच पाती हूँ। फिर क्या, फिर तो मुझे पास्ता बनाना ही पड़ा। कितनी भी कोशिश करूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चों का मन था पास्ता खाने का तो, और बाकी मैंने उनको कहा फ्रूट्स खा लो, ये खा लो, वो खा लो, वो सब मना ही कर रहे थे। नहीं, अल्टीमेटली फिर मैं अग्री हो गई तो पास्ता बनाना ही पड़ा। ये सब डिनर के बाद, सेकेंड डिनर अभी, तो बस इसमें मैंने थोड़ा मैगी मसाला डाल दिया, केचप डाल दिया और सोया सॉस और विनेगर था, पर ये मैंने नहीं डाला क्योंकि लेट नाइट था, मैं बच्चों को ये सब नहीं खिला के सुलाना चाहती थी। तो मैंने हल्का फुल्का ही मतलब पास्ता बना दिया, थोड़े से वेजिटेबल्स ग्रेट करके, जैसे कैबेज और कैरेट आपने देखा यहाँ पर, और स्प्रिंग ऑनियन तो था, लेकिन ये रात हो गई थी ना, तो अब मैं बाहर जाके उनको मतलब तोड़ना नहीं चाह रही थी, अपने हार्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, तो फिर मैंने स्प्रिंग ऑनियन तो अवॉइड ही कर दिया, मैंने सिर्फ पास्ता ही ऐड कर दिया इसमें। और यशु वॉज हियर हेल्पिंग मी, मम्मा बन गया बन गया क्या, वो पूछ रहा था, उसको जल्दी भूख लग गई थी। इन लोग खाना खाने के बाद इतना उछल कूद करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, इतना खेलते हैं ना कि इनको बस भूख लग जाती है वापस से। क्या करें, अभी बढ़ते हुए बच्चे हैं तो आई कांट हेल्प इट, जो डिमांड करते हैं खाने पीने का, तो वो मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से जितना हो सके पूरा कर दूँ। तो हियर ही वॉज हेल्पिंग मी आउट। शादी से पहले ना जब मेरी मम्मी भी खाना बनाती थी ना, तो मुझे ये ना सबसे अच्छा काम लगता था चलाना। मैं मम्मी को हमेशा पूछती थी मैं चला लूँ, तो मेरी मम्मी भी जब चलाना वगैरह होता था ना, तो वो मुझे ही कहती थी कि जाओ चला कराओ, सब्जी चला कराओ, राइस चला कराओ, दाल चला कराओ, ऐसे। और अब मैं देख रही हूँ कि यशु को भी इतना अच्छा लगता है, जब मैं खाना बनाऊंगी ना तो वो आके कोशिश करेगा कि वो एक चम्मच उसमें हिलाकर चला जाए करके, वो बोलेगा मम्मा मैं चला दूँ क्या, ऐसे। अब यहाँ देखो वो कैसे चला रहा है एकदम केयरफुली। फाइनली हो गया था पास्ता रेडी, और अब पास्ता तो बिना चीज के तो अधूरा ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि सिया पास्ता खाती है सिर्फ चीज के लिए, शी जस्ट लव चीज। वो चीज ऐसे बटर जैसे फ्रिज में से निकाल के खाते हैं कुछ लोग, वैसे वो चीज काट काट कर खा सकती है, इतना उसको पसंद है। तो फाइनली मैंने ग्रेट कर दिया चीज अपने पास्ता के ऊपर और फिर बच्चों को दे दिया। और यही था हमारा आज का दिन। दिन भर बस खाना ही पका रही थी। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा हो और उसी रोज आपको कुछ एक्स्ट्रा काम भी आ जाए,
सो या आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आई एम रियली न्यू टू दिस। मैंने बहुत पहले वीडियो मैं कर रही थी, बट यू नो मैंने बंद कर दिया था जॉब और बच्चों की वजह से। बट अगेन आई हैव स्टार्टेड, आई एम ट्राइंग टू डू यू नो डिफरेंट थिंग्स इन माई व्लॉग। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर, गुड नाइट।